हेलो, मैं हूँ चंदन कुमार और इस वीडियो बताएंगे साइंस का दो टॉपिक। पहला है कि वो छोटे छोटे पौधों पर या पत्तियों पर या घासों पर जमती है, लेकिन बड़े पेड़ों की पत्तियों पर नहीं जमती है, क्यों? दूसरा है, सूर्योदय के ठीक पहले ओस जमती है, लेकिन संध्या या रात्रि के प्रथम पहर में नहीं, क्यों? ये बताना है। ओस जो जमती है वो सूर्योदय के ठीक पहले जमती है, लेकिन संध्या या रात्रि के प्रथम पहर में नहीं जमती है। ये दो टॉपिक बताना। सबसे पहले कि ओस जो है वो छोटे पौधों पर, घासों पर ही जमती है, बड़े पेड़ों की पत्तियों पर नहीं जमती है। इसका कारण बताना है और इसको कैसे बताएंगे वो लिखना। तो ओस जमने के लिए कुचालक वस्तुओं का पृथ्वी के तल के निकट होना आवश्यक है। ओस जमने के लिए क्या आवश्यक है? तो कुचालक वस्तुओं का, सुचालक नहीं होना चाहिए, कुचालक होना चाहिए, ठीक है? तो कुचालक वस्तुओं का पृथ्वी तल के निकट होना चाहिए, क्योंकि ठंडी वायु भारी होने के कारण भूतल के अत्यंत समीप आ जाती है। ठंडी वायु क्या रहती है? भारी होती है, जिसके कारण क्या होती है कि भूतल के समीप आ जाती है और ओस के रूप में जमने लगती है, जबकि भूपृष्ठ से ऊपर भाग का वायु अपेक्षाकृत गर्म रहता है। भूपृष्ठ से ऊपरी वायु जो होती है वो अपेक्षाकृत गर्म रहती है, तथा इस भाग के वायु का ताप उषांक से कम नहीं हो पाता है, जिसे पृथ्वी तल से दूर स्थित बड़े पेड़ों की पत्तियों पर ओस नहीं जम पाती है, जबकि घासों या पौधे की पत्तियों पर ओस जम जाती है। दूसरा है, सूर्योदय के ठीक पहले वो जमती है, लेकिन संध्या या रात्रि के प्रथम पहर में नहीं जमती, क्यों? तो इसका कारण है, दूसरा टॉपिक है कि सूर्योदय के ठीक पहले ओस जमती है और संध्या या रात्रि के प्रथम पहर में नहीं जमती है। तो यहाँ पर एक चीज बता देते हैं कि पहर का मतलब क्या होता है। तो पहर और एक पहर में कितने घंटे होते हैं और एक दिन में कितने पहर होते हैं? तो एक दिन में 8 पहर होते हैं और एक पहर में 3 घंटे होते हैं। एक दिन में 8 पहर होते हैं और एक पहर में 3 घंटे होते हैं, तो 8 × 3 = 24, 24 घंटे का एक दिन होता है। अब ये कह रहा है कि सूर्योदय के ठीक पहले वो जमती है, लेकिन संध्या के समय या रात्रि के प्रथम पहर में न जमती है। तो पृथ्वी दिन भर क्या करती है कि सूर्य की गर्मी को शोषित कर गर्म हो जाती है, तथा रात को ऊष्मा विकिरण द्वारा त्यागती है और ठंडी होती रहती है, लेकिन ऊष्मा को त्याग कर ठंडी होने में बहुत समय लग जाता है, क्योंकि ठंडी होने की दर बहुत धीमी होती है। पृथ्वी रात्रि के अंतिम पहर में ठंडी हो पाती है, इसी समय उसके संपर्क में स्थित वायु का ताप उषांक से नीचे पहुंच पाता है, जिसके कारण उस रात्रि के प्रथम पहर या संध्या समय में नहीं जम पाती है, बल्कि अंतिम पहर अर्थात सूर्योदय के ठीक पहले जमती है। इस तरह से ये दो पॉइंट है इस वीडियो का था। फिर नेक्स्ट अगला टॉपिक जो होगा वो अगले वीडियो में, तथा वीडियो में बने रहे, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करते।